पूरे युग की चुनौतियों के सामने उनका उठ करके खड़े हो जाना यह असामान्य था, किसी भी रूप में वो सामान्य नहीं था। इसलिए राष्ट्र की यात्रा में उनकी जीवन उपस्थिति आर्य समाज के 150 साल होते हो, महर्षि जी के 200 साल होते हो, और इतना बड़ा जनसागर सिर्फ यहां नहीं दुनिया भर में आज इस समारोह में जुड़ा हुआ है, इससे बड़ा जीवन की ऊंचाई क्या हो सकती है। जीवन जिस प्रकार से दौड़ रहा है, मृत्यु के दस साल के बाद भी जिंदा रहना असंभव होता है, 200 साल के बावजूद भी आज महर्षि जी हमारे बीच हैं। और इसीलिए आज जब भारत आजादी का अमृत काल मना रहा है, तो महर्षि दयानंद जी की 200वीं जन्म जयंती एक पुण्य प्रेरणा लेकर आई है। महर्षि जी ने जो मंत्र तप दिए थे, समाज के लिए जो सपने देखे थे, देश आज उन पर पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। स्वामी जी ने तब आह्वान किया था, वेदों की ओर लौटे, आज देश अत्यंत स्वाभिमान के साथ अपनी विरासत पर गर्व का आह्वान कर रहा है। आज देश पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा है कि हम देश में आधुनिकता लाने के साथ ही अपनी परंपराओं को भी समृद्ध करेंगे। विकास भी इसी पटरी पर देश नई ऊंचाइयों के लिए दौड़ पड़ा है। साथियों, आम तौर पर दुनिया में जब धर्म की बात होती है तो उसका दायरा केवल पूजा पाठ, आस्था और उपासना